गुड आफ्टरनून लवली पीपल, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो आज है 4 जुलाई संडे, बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, मेरे लिए, रचना के लिए और अनमोल के लिए, है ना। आपके दादा मेरे लिए। अच्छा जी, ठीक है, आपके लिए ठीक है। तो क्योंकि आज हमारे रोहतक वाले अंकल आंटी आएंगे जो रचना के चाचा चाची हैं, चाचा चाची कह लो चाहे मासर मासी, क्योंकि रचना की मम्मी और मासी एक ही घर में ब्याही हुई हैं। तो चाचा चाची आएंगे रचना के आज, जिन्होंने रिश्ता करवाया था रचना और पवन का। तो मेरे मतलब उनके थ्रू ये रिश्ता हुआ था, जो रचना के चाचा चाची हैं मेरे अंकल आंटी, उनको मैं काफ़ी साल से जानती हूँ, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है हमारे बीच में। तो पवन के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो मैंने उनको बोला था, तो उन्होंने ही रचना का रिश्ता पवन से किया था, करवाया था। सो आज वो आएंगे पूरे 1.5 साल के बाद, तो काफ़ी इंतज़ार था, काफ़ी बार मैं बोल चुकी हूँ उन्हें कि बे आ जाओ मिलने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरी पड़ जाती लाइफ में, समझती हो ना, तो कुछ ना कुछ मजबूरी पड़ जाती थी। तो फाइनली आ जाएंगे वो, और उनका इंतज़ार है, शाम तक पहुंचेंगे, अभी तो दोपहर के 1 बजने वाला है, शाम तक पहुंचेंगे, क्योंकि लेट चलने वाले हैं अभी तक, शायद वो चलेंगी चले भी नहीं होंगे, क्योंकि सुबह बात हुई थी अंकल से तो वो बोल रहे थे कि कुछ काम पड़ गया इमरजेंसी, तो काम निपटा कर फिर निकलेंगे, उनका वेट हो रहा है, जब वो आएंगे तो आपसे भी मिलवाएंगे, है ना अनमोल। Yes. अनमोल को बहुत खुशी हो रही है, मतलब कल इसे पता चला कि वो आएंगे, तो बस कल जब इस पता चला ना तो बोलने लगा कि ज्योति मासी आएंगी, तो मैंने बोला कि हाँ, तब तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लास्ट टाइम जो रचना और पवन के साथ गया था तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उनकी, तो बस वही बातें करने लगा कि मैं ज्योति मासी के साथ उनका साइकिल चलाता था जे वो, और सुबह उठते ही इसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक बात बोला कि रोहतक वाले अंकल आंटी ज्योति मासी आएंगे, मैंने बोला कि हाँ। तो बार बार झूठ नहीं है, जब सच है, आप सोच रहे होंगे कि झूठ है, सच है। हाय। तो यहाँ पर रचना इशिता का बन बना रही है जूड़ा, और मैं आपको बता दूं कि रचना ना इतने से बाल है, छोटे से बाल है इशिता के, लेकिन रचना इतने से ही बालों का इतना अच्छा बन बनाएगी ना जुड़ा, आपको मैं दिखाऊंगी। रचना वीडियो में आना नहीं चाहती थी, बोल रही थी कि मैंने मेकअप नहीं किया दीदी, मैं नहीं वीडियो में आऊंगी। हेलो बोल दो, अच्छी लग रही हो मेकअप के बिना भी, ठीक है ना। तो दोस्तों, पहले तो फूल के साथ भी अच्छा लगता था, अब फूल ही नहीं है। क्या फूल? कौन सा फूल? छोटे छोटे किसी दिन ना मैं इसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आप छोटे बच्चों के बालों का बन बना सकते हैं, जूड़ा बना सकते हैं। रचना बहुत अच्छा जूड़ा बना लेते, तो प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी इसी पर, पूरी डिटेल से आपको दिखा देंगे। जब जब पूरी तरह से बन जाएगा ना, थोड़ी देर में बन जाएगा जूड़ा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा बन बना दिया ईशु के छोटे से बालों का। मुझे ये अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ध्यान तो तुम्हारा गेम में है, कब देख लिया तुमने? ऐदा करके देख लिया। चलो जी ठीक है, आप पंजाबी हैं जी। अच्छा ठीक है। सो गाइस, हमें पता चला है कि जो हमारे अंकल आंटी आने वाले थे वो आज नहीं आएंगे, उनका आना डिले हो गया किसी रीज़न की वजह से, तो वो कल आएंगे, तो कल का वेट करेंगे उनके आने का। एक्चुअली हमें 2 बजे, दोपहर को 2 बजे पता चला जब उनको फ़ोन किया कि आप चल पड़े होगे वहाँ से, तो उन्होंने एक रीज़न बताया कि आज हम नहीं आ पाएंगे, कल आएंगे। सो मैंने सोचा कि आपको अपडेट दे दूं कि आज वो नहीं आ रहे, कल आएंगे। सो या कल का वेट है,
अनमोल को दुख हो रहा है बहुत, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है बहुत। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कल मैंने आपको बताया था कि जो अंकल आंटी और उनकी बेटी आने वाली हैं वो कल आएंगी, मतलब आज आ रहे हैं वो। दोपहर का बज गया एक और मैं खाना बनाने की भी तैयारी शुरू करूंगी। फिर तो ना गर्मी बहुत हो रही है, उसको बारिश हुई थी तो मौसम सही हो गया था, लेकिन अभी आज फिर से गर्मी की बुरी हालत है। दोपहर से तो बहुत गर्मी है, लौकी का पानी तोड़ कर उसमें ऐड करेंगे बेसन और कुछ मसाले। तो जी हमारी दोनों सब्जियां बन चुकी हैं, पनीर की छुच्छी और कोफ्ते। मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई तड़का वगैरह लगाने का, क्योंकि था टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो वो भी आने वाली है जस्ट 5-10 मिनट में वो पहुंच जाएंगे। नमस्ते आंटी जी, परसों का लग्या हो चला ठीक है, कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर आकर? पहले आप एक बार आए हुए है ना, 1.5 साल पहले, और कल आए और आज चल भी पड़े। मन तो हमारा भी ना बहुत, मतलब सुबह से इतना वो कर रही हूँ ना, लेकिन अंकल मान ही नहीं रहे। चलो तो जी, मिल लिए आप हमारी आंटी से, ये ज्योति से। अंकल जो है वो कैमरा कॉन्शियस है, इसीलिए कैमरे के सामने नहीं आएंगे।